रिकवरी आफ्टर डीएनएस ऑपरेशन। यस दोस्तों, बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। दोस्तों, डीएनएस की जो सर्जरी है उसके बाद बड़ा है कॉमन क्वेश्चन होता है, मेरी रिकवरी कब होगी एंड मैं कब फिजिकल कर सकता हूं। सो दोस्तों, जैसे आपको पता है डीएनएस की सर्जरी, दैट मींस जो डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है उसकी जो सर्जरी होती है, दैट वी कॉल द डीएनएस सर्जरी। और जब हमारा नाक का जो सेप्टम एक तरफ गया हुआ होता है उसकी सर्जरी जो है उसको डीएनएस सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी एंडोस्कोपिक होती है। अब सर्जरी के बाद मैं आपको बता दूं, ये सर्जरी होती है करीब एक घंटे की। एक घंटे की सर्जरी के बाद एक दिन हमें पेशेंट को एडमिट रखना होता है कि नोज के अंदर एक इम्पोर्टेड एक जेली और एक मैरोसिल लगा के एक दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। एंड उस टाइम आपको जो है वो माउथ ब्रीदिंग करना होता है। एंड कई बार एंड आजकल जो है ऐसी भी मैरोसिल्स आती हैं जो उसमें नाक में लगाने के बाद आप उसके बीच में स्पेस होता है, आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये घबराएं नहीं कि मेरा नाक बंद कर देंगे तो मुझे सांस नहीं आएगा। ओके, एंड देन इसके बाद जब नाक की वो पैकिंग निकाल के और आपको डिस्चार्ज किया जाता है, तो आप जो है रूटीन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खाना पीना घूमना फिरना व्हाट एवर यू वांट टू डू एवरीथिंग आप कर सकते हैं। आप जैसे जो पार्टिकुलरली जो आर्मी एस्पिरेंट जो पर्सन है उनको लगता है कि मैं जॉगिंग कर सकता हूँ, वो आप जॉगिंग कर सकते हो। सर्जरी के बाद में जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो डॉक्टर आपको तीन चीजें देता है जिससे आपको नोज साफ करना होता है। उसमें एक लिक्विड पैराफिन होती है जिसकी कुछ बूंदे नोज में डाल के 5 मिनट आपको लेटा रहना होता है। उसके बाद जो है एक एल्कलाइन नेजल वॉश होता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर, उसको क्या है थोड़ा से पानी में डाल के आपको नाक को डूशिंग किया जाता है, सफाई की जाती है। लाइक जो नाक में कुछ करूंड बनते हैं उनको साफ करने के लाइक ऐसे हमें उसको क्लीन करना होता है। एंड लास्ट में एक डिकंजेस्टेंट ड्रॉप डाला जाता है। ये आपको जो है वो शुरू के दिनों में आप 10 दिन तक 2 बार कर सकते हो, उसके बाद जो है वो करीब 15 दिन तक 1 बार कर लो, उसके बाद डूशिंग की जरूरत नहीं होती है। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो अब आगे जो काम है, आप फिजिकल है, एक्सरसाइज है, जिम जाना है, वो सारे काम कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर मैंने सर्जरी कराई तो मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगा। एंड रिकवरी की बात करते हैं दोस्तों, सपोज आज आपने सर्जरी कराई है तो करीब करीब आप 15 दिन बाद अगर आपका मेडिकल है आर्मी में तो वो भी आप जा सकते हो। दोस्तों ध्यान रहे, इसमें बाहर से इंसिजन चीरा टांका विजिबल नहीं होता है। यस, बट आप अपने डॉक्टर को जरूर बोल दीजिए कि मेरे को जो है वो आर्मी में हूं मैं और मेरे को आर्मी के अंदर जो है वो प्रिपेरेशन कर रहा हूं और मेरे को जो है उसमें जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं जो डॉक्टर मैनेज करता है। एंड बाहर से इसमें कोई भी चीज विजिबल नहीं होती है और ये एंडोस्कोपिक तरीके से जिसको ठीक किया जाता है। रिकवरी जो है आप ऑलमोस्ट मान के चलिए, अगर हम छुट्टी की बात करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन के लिए आप बेड रेस्ट कर सकते हो, बाकी घूमना फिरना सब कुछ आप अपना काम कर सकते हो। सो दोस्तों, देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी है कि रिकवरी एंड फिजिकल आफ्टर द डीएनएस सर्जरी। जो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या काम करना है, खाने में सब कुछ खा सकते हो आप, बहुत हाईली थोड़ा स्पाइसी फूड है, बहुत ज्यादा चबाने वाली चीजें हैं वो थोड़ा सा नहीं खाना है, बाकी आप वेज नॉन वेज वगैरह आप सब खा सकते हो। सो दोस्तों, यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिससे डीएनएस की जो प्रॉब्लम है और डीएनएस की जो सर्जरी के बाद जो रिकवरी की जागरूकता सबको जो है वो मिलती रहे। एंड डेफिनेटली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू।